हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह है सिंगल प्लेट क्लच। यह फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है यह दो सब्जेक्टों के लिए कॉमन टॉपिक है, जिसमें मशीन डिजाइन या जिसे हम डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट बोलते हैं, दूसरा सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इन दोनों सब्जेक्टों के लिए यह कॉमन सब्जेक्ट है क्योंकि इस पे थ्योरी क्वेश्चन दोनों ही सब्जेक्टों में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को आप तैयार कर लें अच्छे से और हमारा पूरा वीडियो देखें, जिससे आप जो मशीन डिजाइन है इसके ऊपर जो फॉर्मूले यूज होते हैं न्यूमेरिकल के लिए, वह फॉर्मूले भी आज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैं सिंगल जो हमारी प्ले क्लच है उसका इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन डाल चुका हूँ। इसके अलावा जो मशीन डिजाइन है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसके बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ। वह आप देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। उसमें डायरेक्ट जाने के लिए आप मोबाइल की स्क्रीन पर उंगली से टच कर दें, ऊपर राइट कॉर्नर में एक आई बना हुआ दिख जाएगा, उस पे उंगली से टच करेंगे तो डायरेक्ट हमारी प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। वहां पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके आप हमारे और भी वीडियो देख सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट के आप देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह अभी तक मैंने जो वीडियो डाल चुका हूँ वह आप देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। जैसा सबसे पहले टॉपिक लिखा सिंगल प्लेट क्लच। अब सिंगल का मतलब क्या होता है? सिंगल का मतलब होता है इसमें हम क्या करते हैं, एक प्लेट के यूज करते हैं, मतलब जो क्लच प्लेट है उसमें एक क्लच प्लेट का यूज करते हैं, इतना समझ लें, इसलिए इसको सिंगल प्लेट क्लच बोलता है। क्लच का फंक्शन आप जानते हैं या मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसको एक बार और रिपीट करता हूं। क्लच क्या करता है, जो हमारा इंजन रहता है और जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है उन दोनों के बीच में इंगेज और डिसइंगेज का काम करता है। इंगेज और डिसइंगेज क्या होता है? इंगेज मीन्स होता है जब हमारा जो क्लच है वह फ्लाईव्हील के साथ कॉन्टेक्ट में रहता है, जब इंजन और जो हमारी व्हील्स हैं या गाड़ी पूरी तरह मूव होती है स्मूथ तरीके से। जब पेडल को हम दबाते हैं तो हमारा डिसएंगेज पोजीशन में आ जाता है क्लच, उससे क्या होता है इंजन तो हमारा मूव होता है लेकिन गाड़ी हमारी मूव नहीं होती। तो ये इंगेज और डिसएंगेज होता है। ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, इंजन क्या होता है? इंजन मीन्स होता है जिसके अंदर पूरा एक हमारा सिस्टम बना रहता है, इसका क्रैंकशाफ्ट का, कनेक्टिंग रॉड का, पिस्टन का और सिलेंडर का। जब हमारी क्रैंकशाफ्ट मूव होती है तो उसके साथ कनेक्टिंग रॉड भी मूव होती, उस कनेक्टिंग रॉड का कॉन्टेक्ट कहाँ होता है, हमारी पिस्टन के अंदर। पिस्टन स्लाइड्स करती है सिलेंडर के अंदर, उसके अंदर जो पावर डेवलप होती है वह कहाँ होती है, सीधी आती है फ्लाई व्हील के अंदर, फ्लाई व्हील के अंदर स्टोर होती है। फ्लाई व्हील के साथ क्या होता है, क्लच कॉन्टेक्ट में आता है, मतलब क्लच देखा जाए तो उसके साथ क्लच भी मूव होता है फ्लाई व्हील के साथ। क्लच के साथ जो हमारी प्रोपेलर शाफ्ट होती है वह मूव होती है, उसके साथ गियर बॉक्स लगा रहता है, वहां से गियर को शिफ्ट कर सकते हैं। उसके साथ हमारी जो रियर एक्सल होती है या जिसे रियर शाफ्ट होते हैं वह कनेक्ट रहती है, वह मूव होने लगती है। उसके साथ हमारे जो पहिए लगे रहते हैं वह उसके साथ मूव होती है, इस तरह हमारी गाड़ी चलने लगती है। अब इसमें ट्रांसमिशन सिस्टम कौन सा होता है, इंजन के अंदर देखें तो इंजन और फ्लाई व्हील वन एक पूरा कंप्लीट सिस्टम बन जाता है, जबकि क्लच हो गया, हमारा गियर बॉक्स हो गया, हमारा यूनिवर्सल जॉइंट हो गया, हमारा डिफरेंशियल हो गया और प्रोपेलर शाफ्ट हो गया और रियर एक्सल हो गई और पहिए हो गई, ये हमारा पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। अब इसके अंदर जो हमारी इंजन से जो हमारी ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर जो हमारी पावर जाती है उसके थ्रू जो हमारी शाफ्ट मूव होती है उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन शाफ्ट बोलते हैं। अब फ्रेंड्स और जैसे हम बता चुके हैं इसमें एक सिंगल प्लेट यूज करते हैं इसलिए हम सिंगल प्लेट क्लच बोलते हैं। अब इस जो डायग्राम सामने दो दिख रहा है इन दोनों को डायग्राम को समझेंगे अपन स्टेप स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले थोड़ा हम समझा देंगे जो फ्लाई व्हील होती है, सबसे पहले क्या होती है फ्लाई व्हील जो कि हमारी क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहती है, तो इस तरह की होती है एक्चुअल में फ्लाई व्हील, ठीक है फ्रेंड। उसके साथ और जो प्रेशर प्लेट रहती है इसके बीच में हमारी जो हमारी क्लच प्लेट रहती है या फ्रिक्शन प्लेट बोलते हैं इसको, वह कनेक्ट रहती है। फ्रिक्शन प्लेट मतलब इसके दोनों ओर फ्रिक्शन लाइनिंग रहती है जो क्या करती है इसको और इसको दोनों को कनेक्ट करती है और क्या करती है मूव कराती है। अब जो ये फ्रिक्शन लाइनिंग क्यों रहती है, क्योंकि इसका जो सिद्धांत है या प्रिंसिपल होता है वह फ्रिक्शन के ऊपर आधारित है, मतलब इसमें क्या इस तरह लाइनिंग रहती है कि जैसे कॉन्टेक्ट में आता है तो जिसमें कट लगे रहते हैं या फिर जो बोलते खुरदुरी टाइप की रहती है, मतलब स्मूथ नहीं रहती, तो जैसे ये कांटेक्ट में आता है फ्रिक्शन के कारण क्या करता है यह भी मूव होने लगता है फ्लाई व्हील के साथ, उसके साथ प्रेशर प्लेट लगी रहती है। अब ये एक स्प्रिंग लगी रहती है, यहाँ पर कवर प्लेट रहती है, दोनों से टच रहती है, जैसे हम पेडल को क्या करते हैं प्रेस करते हैं तो ये स्प्रिंग के थ्रू क्या होता है हमारा जो भी क्लच प्लेट है वो फ्लाई व्हील से रिलीज हो जाती है, मतलब अलग अलग हो जाती है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं रिलीजिंग स्प्रिंग बोलते हैं। तो ये कंप्लीट इस तरह के हमारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन हमें ए वाले पार्ट्स को एग्जाम में नहीं बनाना, सिर्फ हमें ए डायग्राम एग्जाम में बनाना जिसको हम स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं सभी पार्ट्स और इसकी वर्किंग। अब फ्रेंड्स इस सिस्टम को पूरे हम एक एक पार्ट से समझते हैं और उनका यूज समझते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो पार्ट रहता है वो होता है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील क्या रहता है, जो इंजन की क्रैंकशाफ्ट रहती है उसके साथ कनेक्ट रहता है और उसी के साथ क्या करता है मूव रहता है।
क्रैंक की है, जो क्रैंक की शाफ्ट रहती है उसके साथ कनेक्ट रहता है, उसके साथ ही मूव करता है। उसके साथ हमारी क्या रहती है, जो हमारी जिसे हम बोलते हैं क्लच प्लेट, क्लच प्लेट कनेक्ट रहती है किसके साथ, फ्लाई व्हील के साथ क्या रहती है, क्लच प्लेट, जिसे हम जिसमें क्या रहती है फ्रिक्शन लाइनें रहती हैं दोनों। अब जो एक और क्या होता है फ्लाई व्हील लगी रहती है, दूसरी ओर क्या रहती है प्रेशर प्लेट, जैसे बोलते हैं प्रेशर प्लेट लगी रहती है, उसके साथ क्या होता है क्लच प्लेट कनेक्ट रहती है। मतलब प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच में क्या लगी रहती है फ्रेंड्स, क्लच प्लेट लगी रहती है। क्लच प्लेट में दोनों ओर फ्रिक्शन लाइनिंग रहती है। क्या होता है जब पेडल हमारा दबता है, जब इंगेज जब तो हमारी डिसंगेज पोजिशन रहती है, और जब पेडल को रिलीज करते हैं तो इंगेज पोजिशन रहती है। इंगेज पोजिशन रहती है तो ये जो कहती है फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में दबी रहती है, तो दोनों ओर फ्रिक्शन के कारण क्या करते हैं, जो फ्लाई व्हील के साथ हमारी क्लच प्लेट पूरी, जो हमारा क्लच होता है मूव होने लगता है, उसके साथ हमारी जो प्रोपेलर शाफ्ट होती है वह भी मूव होने लगती है, उससे हमारे पहिए चलने लगते हैं। समझ में आया होगा फ्लाई व्हील और जो हमारी प्रेशर प्लेट है उसके बीच में दबी हुई रहती है क्या, क्लच प्लेट, जब इंगेज पोजिशन रहती है। जब डिसंगेज पोजिशन रहती है तो ये फ्लाई व्हील से कॉन्टेक्ट हट जाता है इसका, और ये मूव किसके कारण होती है, फ्रिक्शन लाइनिंग के कारण, याद रखें, क्योंकि ये फ्रिक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया होगा, अब नेक्स्ट पार्ट समझते हैं इसके। तो फ्रेंड्स इधर थ्योरी देखेंगे, जो मैं बता चुका हूँ वही मैंने समझाने की कोशिश की है कि जो फ्रिक्शन जो हमारी फ्रिक्शन लाइन रहती है इसके कारण क्या होती है, जो हमारी फ्लाई व्हील और जो हमारी क्लच प्लेट होती है ये दोनों कॉन्टेक्ट में आते हैं, जिससे मूव होती है किसके कारण, फ्रिक्शन लाइनिंग के कारण, याद रखें। ठीक है फ्रेंड, जब ये इंगेज पोजीशन में होती है जब ये मूव होती है, जब ये डिसंगेज पोजीशन में होती है जब ये मूव नहीं होती, क्योंकि ये फ्लाई व्हील से कॉन्टेक्ट हट जाता है किसका, क्लच प्लेट का। तो फ्रेंड इतना समझ में आया होगा, क्योंकि जब इंगेज पोजीशन में रहती है तो उसके साथ क्या होती है, जो हमारी प्रोपेलर शाफ्ट मूव होती है उसके साथ हमारी रियर शाफ्ट कनेक्ट रहती है, जिसमें पहिया लगे रहते हैं, वो पहिए भी मूव होते हैं तो हमारी गाड़ी स्मूथ तरीके से चलने लगती है। जब ये डिसंगेज पोजिशन में रहती है तो हमारी जो हमारी फ्रिक्शन प्लेट है उसका कॉन्टेक्ट हट जाता है फ्लाई व्हील से। तो फ्रेंड्स इस तरह ही मैंने थ्योरी में समझाने की कोशिश की, अब हम सीधी इसकी वर्किंग समझेंगे, वर्किंग के बाद इसके फॉर्मूले समझेंगे। तो फ्रेंड्स वर्किंग में सबसे पहले जैसे अरेंजमेंट बताया मैंने, क्या इंजन की जो क्रैंकशाफ्ट के साथ क्या रहता है फ्लाई व्हील कनेक्ट है, उसके बीच में जो हमने जैसे बताया कि जो क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट के बाद प्रेशर प्लेट है, उस फ्रिक्शन लाइनिंग में दिखाई गई, यहाँ पर देखेंगे पेडल लगा दिखाया गया, यहाँ पर पेडल को जो कनेक्ट करने के लिए फल्क्रम पिन बताया गया, यहाँ पर पिन लगी हुई है, और ये मेरी शाफ्ट है, शाफ्ट कहाँ से, रियर शाफ्ट से सीधा कनेक्ट रहती है, प्रोपेलर शाफ्ट होते हैं इसको, यहाँ बेयरिंग रहती है मतलब मूव करने के लिए। तो फ्रेंड इसकी वर्किंग होती स्टार्ट कि हम जैसे ही क्लच पेडल देख रहे हैं, यहाँ पर पेडल, इसको हम दबाएंगे, इसको जैसे हम प्रेशर डालते हैं तो जी स्प्रिंग दिख रही है यहाँ पर क्या लगी, क्लच स्प्रिंग, जिसे हम रिलीजिंग स्प्रिंग बोले, इसका प्रेशर कहाँ पड़ता है, ये जो प्रेशर प्लेट दिख रही है इस पे पड़ता है, तो ये जो पार्ट से ये पीछे की ओर हटता है, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पीछे की ओर हटेगा, तो उससे क्या होता है फ्लाई व्हील और जो हमारी क्लच प्लेट है उसका कॉन्टेक्ट हट जाता है, मतलब इस फ्लाई व्हील से दूर हो जाता है। जैसे ये कॉन्टेक्ट हटता है तो हमारी फ्लाई व्हील तो मूव होती है जो क्रैंकशाफ्ट के साथ फ्री मूव होती रहती है, लेकिन इसके थ्रू जब हमारी प्रेशर प्लेट कॉन्टेक्ट में नहीं रहती है तब क्या होता है, जो हमारी क्रैंक की शाफ्ट है वह मूव होना बंद हो जाती है, उससे हमारी गाड़ी स्लो हो जाती है और धीमे धीमे चलना बंद हो जाती है। कब, जब पेडल को हम क्या करते हैं, दबाते हैं। तो फ्रेंड्स पेडल का दबाना का फंक्शन समझ में आया, मतलब डिसंगेज करना बोलते हैं, जैसे हम पेडल को रिलीज करते हैं मतलब पेडल से हम पैर को हटाते हैं तो क्या होता है, ये स्प्रिंग फिर से अपनी ओरिजिनल पोजिशन में पहुंच जाती है। जैसे ही ओरिजिनल पोजिशन पहुंचेंगी तो हमारी जो क्लच प्लेट है वह किसके, फ्लाई व्हील के कॉन्टेक्ट में आ जाती है, फ्लाई व्हील के कॉन्टेक्ट में आएगी तो हमारी फ्लाई व्हील के साथ साथ क्या होती है क्लच प्लेट मूव होने लगती है। क्लच प्लेट से क्या होती है, जो हमारी शाफ्ट रहती है प्रोपेलर शाफ्ट वाई भी क्या साथ, उसके साथ मूव होने लगती है, उसके साथ जो रियर शाफ्ट है वाई मूव होती है, उसके साथ गाड़ी के पहिए मूव होने लगते हैं और गाड़ी हमारी स्मूथ तरीके से चलने लगती है। जैसा मैं ऊपर भी बता चुका हूँ कि जो हमारी क्लच प्लेट में रहती है वाई क्या फ्रिक्शन के सिद्धांत पर आधारित रहती है, क्योंकि फ्रिक्शन लाइनें रहती हैं दोनों पार्टों, पार्ट मतलब एक पार्ट रहता है प्लेट के दोनों ओर क्या रहती है फ्रिक्शन लाइन रहती है, मतलब इसके फ्लाई व्हील के कॉन्टेक्ट में आता है और जो हमारी प्रेशर प्लेट है उसके कॉन्टेक्ट में आता है, वह फ्रिक्शन लाइनिंग के कारण दोनों ही पार्ट्स कहते हैं मूव होते हैं। मतलब फ्लाई व्हील के थ्रू हमारी क्लच प्लेट मूव होती है, क्लच प्लेट के थ्रू हमारी जो हमारे इधर प्रेशर प्लेट है वह मूव होने लगती है। तो इस तरह फ्रेंड्स पूरी वर्किंग होती है इसकी, वर्किंग आपको समझ में आई होगी। अब हम इसके फॉर्मूले समझेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका एक डेरिवेशन होता है, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले समझा रहा हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक सर्कुलर पार्ट होता कैसा होता है, सर्कुलर होता है जिसकी इनर रेडियस मैंने मान ली आर वन सॉरी आर टू, और जबकि आउटर रेडियस क्या मान ली आर वन, आउटर रेडियस आर वन मानी, इनर रेडियस क्या मानी आर टू मानी। ठीक है फ्रेंड्स, डायमीटर में देखें तो बाहर का डायमीटर क्या होगा डी वन और अंदर का डायमीटर डी टू होगा।
अब इसका नॉर्मल सेक्शन व्यू देखें तो इस तरह की ये क्या थी, दिखा रहा है कि इसमें क्या रहता, पूरा डायग्राम कंप्लीट दिखा रहा है कि यहाँ पर फ्रिक्शन लाइनें रहती हैं इस तरह की दोनों ओर। जैसे मैं बता चुका हूँ क्लच प्लेट है, यहाँ इसका इसने रेडियस दिखा दी और बाहर की रेडियस दिखा दी दोनों ओर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता, पावर डेवलप कितनी पावर डेवलप हो रही वह निकालना पड़ता। उसका पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं, 2 पाई NT/60। क्या होता है, 2 पाई NT/60। जो पावर की यूनिट होती है वह होती है वाट होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, वाट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, एन क्या होता है, जो किस आरपीएम से मूव हो रहा है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। टी क्या होता है फ्रेंड्स, टॉर्क होता है। अब यहाँ पर जो टॉर्क डेवलप हो रही हुआ है कैसे निकालते हैं, तो टॉर्क ट्रांसमिटेड का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, टी इक्वल टू होता है स्मॉल एन इंटू 1/2 इंटू म्यू इंटू डब्ल्यू ब्रैकेट के अंदर R1 + R2 होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टी क्या होता है, टॉर्क होता है, जिसे न्यूटन मीटर यूनिट होती है इसकी। एन क्या होता है, या क्या होता है, बोथ साइड इफेक्टिव होता है। क्या होता है, बोथ साइड इफेक्टिव होता है, इसलिए हम एन की जगह क्या रखते हैं, टू रखते हैं फ्रेंड्स। 1/2 इसमें जो वैल्यू रहती है। म्यू क्या होता है, कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है, कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। जबकि डब्ल्यू क्या होता है, ये जो एक्सियल लोड लगता है वह लोड होता है। R1 R2 क्या है, इसकी इनर और आउटर रेडियस। तो फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमें क्या होता है, इसमें जो डब्ल्यू है एक्सियल थ्रस्ट बोलते हैं, एक्सियल लोड बोलते हैं, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल टू सी इंटू 2 पाई रूट के अंदर R1 - R2। क्योंकि हमें यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू रखना पड़ेगी, तो उसके लिए हम डब्ल्यू निकालने के लिए होता है सी इंटू 2 पाई R1 - R2। सी क्या है, कॉन्स्टेंट होता है, जबकि R1 R2 हम बता चुके हैं इनर और आउटर रेडियस है। अब यहाँ पर सी जो कॉन्स्टेंट है उसके निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है, वो होता है कॉन्स्टेंट सी इक्वल टू पी इंटू R2। R2 क्या है, जो उसकी रेडियस है, और पी क्या है, इसमें जो फोर्स लगेगा वह है। तो फ्रेंड इस तरह सी निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, उस सी को कहाँ पुट कर देंगे यहाँ पर, फिर जो हमारी वैल्यू आएगी W की उसको कहाँ पुट कर देंगे यहाँ पर, तो उससे जो T की वैल्यू आएगी उसको कहाँ पुट कर देंगे यहाँ पर पुट, उससे हमारी पावर निकल आएगी। तो फ्रेंड्स सिंगल प्लेट क्लच का अगर न्यूमेरिकल आता तो ये फॉर्मूले यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी पावर को निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।